एक रात सारा अपने 12 साल के बेटे एंडी के साथ उसके फ्रेंड के बर्थडे डिनर से अपने घर वापस लौट रही थी, जब अचानक ही रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते वो बारिश एक तूफान में बदल गई और इस वजह से सारा के घर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया था। सारा अपने बेटे एंडी के साथ उस एरिया में नई नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी सारा की नजर थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़े से मैंशन पर पड़ी। उस मैंशन के अंदर लाइट्स जल रही थी, इसलिए सारा को लगा कि शायद उस मैंशन में कोई रहता होगा जो उसकी मदद कर सके। सारा अपने बेटे एंडी को लेकर उस मैंशन तक पहुंच गई। सारा ने उस मैंशन की बेल बहुत बार बजाई मगर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लेकिन फिर वो दरवाजा अपने आप खुल गया। सारा को अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो एंडी के साथ मैंशन के अंदर चली गई। उस मैंशन के हॉल में पहुंचकर सारा ने कई बार आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहां पर, हेलो, मगर उसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। जब कोई जवाब नहीं आया तो सारा को लगा कि शायद वो मैंशन खाली होगा। वो मैंशन देखने में थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा डरावना सा, लेकिन रात बहुत हो गई थी और दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए सारा ने एंडी को ऊपर वाले बेडरूम में सुला दिया और खुद पानी लेने किचन की तरफ चली गई। वैसे तो एंडी बहुत थक गया था मगर उस बेडरूम में लेटकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी और तभी उसे उस कमरे में रखी कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज आई। एंडी उठकर बैठ गया और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। उस कबर्ड के अंदर से कोई एंडी को पुकार रहा था, एंडी, एंडी। वहीं दूसरी तरफ सारा मैंशन के हॉल में पहुंची तो उसकी नजर वहां रखी एक पुरानी चेयर पर पड़ी। सारा उसी चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी, लेकिन तभी वो चेयर अपने आप ही झूलने लगी। घबराहट के मारे सारा के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और वो उस चेयर से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वो चेयर खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी। सारा किसी तरह उस चेयर से कूदी और उस हॉल के फ्लोर पर एक पुतले के पास जाकर गिर पड़ी। सारा उस पुतले के सहारे ऊपर उठी रही थी कि तभी उस पुतले का सर सारा की तरफ मुड़ गया। ये देखकर सारा के होश उड़ गए, डर के मारे वो ऊपर भागी। वहीं ऊपर बेडरूम में अलमारी से आ रही आवाजें सुनकर एंडी अब थोड़ा घबरा गया था। वो धीरे से उठकर उस अलमारी की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसे उस शीशे में किसी औरत की परछाई नजर आ रही थी। एंडी ने जब पलट कर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। उस शीशे में उसे दो चमकती हुई नीली आंखें नजर आ रही थीं। वो उसी औरत की परछाई थी जिसने उसे अभी अभी देखा था। एंडी वहीं खड़ा कांपने लगा कि तभी वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने एंडी की तरफ एक बहुत बड़ा चाकू फेंका। एंडी खुद को बचाने के लिए नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उस चाकू की वजह से सामने लगा शीशा पूरी तरह टूट गया। तभी सारा दौड़ती हुई वहां आई और उसने देखा कि एंडी जमीन पर पड़ा रो रहा था, और फिर अचानक उस कबर्ड के अंदर से फिर से आवाज आने लगी, मगर इस बार वो आवाज सारा को बुला रही थी। सारा, सारा, सारा को भी अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस मैंशन में उसके साथ क्या हो रहा है। उसने शीशे के पास पड़ा चाकू उठाया और उस कबर्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने वो अलमारी खोली वो जोर से चिल्ला उठी। उस अलमारी के अंदर एक बहुत ही डरावना इंसान खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था और उसका सर उसके हाथ में एक बॉक्स में रखा था। ये देखकर सारा ने तुरंत एंडी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से भागने लगी। वो दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे
कि अचानक वो कॉरिडोर दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्से में सारा थी और एक हिस्से में उसका बेटा एंडी। एंडी जैसे ही अपनी मॉम की तरफ वापस बढ़ा, सारा जिस पर खड़ी थी वो कॉरिडोर पलट गया और वो नीचे गिर गई। एंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो पूरी तरह सहम चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लेकिन जो सीढ़ियां अभी तक नॉर्मल लग रही थीं, वो खुद ब खुद अपना डायरेक्शन बदलने लगी। सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और एंडी स्लिप होता हुआ वापस उसी कॉरिडोर की तरफ गिर गया। अब एंडी के पीछे वही भयानक आदमी खड़ा था जिसकी पूरी बॉडी हड्डियों की बनी हुई थी, लेकिन इस बार उस हेडबॉक्स से निकलकर उसका भयानक चेहरा उसकी गर्दन पर आ गया था। वो एंडी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और लंगड़ाते हुए उसी के पास आ रहा था। देखते ही देखते उस मैंशन की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उस हॉल में ढेर सारी शैतानी आत्माएं जमीन के अंदर से निकलने लगी और वो सभी उड़ती हुई एंडी की तरफ बढ़ने लगी। उन आत्माओं ने एंडी को पूरी तरह से घेर लिया था और उसके बाद बस उसकी चीखें सुनाई दी। उस मैंशन ने सारा और एंडी दोनों की ही जान ले ली थी। अब शायद उन सभी बाकी स्पिरिट्स के साथ सारा और एंडी की स्पिरिट्स भी हमेशा हमेशा के लिए उस मैंशन में कैद हो गई थीं। पर ऐसा क्या है उस मैंशन में? कौन थी वो औरत जिसकी परछाई एंडी ने देखी थी? कौन थी वो सारी स्पिरिट्स जो उस मैंशन में घूम रही थीं? और कौन था वो आदमी जिसका सर उस हेडबॉक्स में था? इस हॉन्टेड मैंशन का सच जानने के लिए असेंबल हुई है एक टीम, एक प्रीस्ट, एक साइकिक, एक टूर गाइड और एक हिस्टोरियन। पता लगाएंगे इस हॉन्टेड मैंशन के सीक्रेट्स। तो क्या आप तैयार हैं उनके साथ हॉरर की एक रोलर कोस्टर राइड लेने के लिए? वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज लेकर आए हैं अपनी नई मूवी हॉन्टेड मैंशन, जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है इस फ्राइडे 28 जुलाई को। तो इस हॉन्टेड मैंशन को बड़े स्क्रीन्स पर देखना मिस मत करना। बुक योर टिकट्स नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।